अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले बदला कप्तान, राशिद खान और नबी हुए नाराज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, असगर अफगान को शुक्रवार को अफगानिस्तान के कप्तान पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन उसके इस कदम से राशिद खान और मोहम्मद नबी जैसे सीनियर खिलाड़ी खुश नहीं हैं। यह कदम विश्व कप शुरू होने से केवल 2 महीने पहले उठाया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया। उनकी जगह अहमद खान, गुलबदन नैब और राशिद को टेस्ट वनडे और T20 कप्तानों का नियुक्त किया है। 31 वर्षीय असगर को 2015 में नबी की जगह कप्तान बनाया गया था। उनके कप्तान रहते हुए अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बना और उन्होंने पिछले महीने देहरादून में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज दर्ज की। उनकी अगुवाई में टीम ने ICC विश्व कप क्वालिफायर 2018 भी जीत दर्ज की थी। उनकी टीम ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया। असगर की कप्तानी में अफगानिस्तान ने 59 मैचों में 37 में जीत दर्ज की है। ACB का फैसला राशिद और नबी को नागवार गुजरा। ये दोनों अभी IPL खेल रहे हैं। राशिद ने कहा कि चयन समिति का पूरा सम्मान करते हुए मैं फैसले पे पूरी तरह असहमत हूँ, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना और पक्षपातपूर्ण है। क्रिकेट विश्व कप हमारे सामने है। कप्तान असगर अफगान को हमारी टीम का कप्तान बनाए रखना चाहिए था। टीम सफलता में उनकी कप्तानी का अहम योगदान रहा। उन्होंने विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से कुछ महीने पहले कप्तान बदलने से अस्थिरता पैदा होगी और टीम का मनोबल भी प्रभावित होगा। नबी ने सोशल मीडिया पर अपनी खींच निकाली। उन्होंने कहा कि टीम का सीनियर खिलाड़ी होने और अफगानिस्तान क्रिकेट का विकास का गवाह होने के नाते मुझे लगता है कि विश्व कप से पहले कप्तान बदलना सही नहीं है। असगर की अगुवाई में टीम बहुत अच्छा तालमेल था और मेरी निजी राय है कि वह हमारी अगुवाई करने के लिए सबसे सही व्यक्ति है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।